साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही औद्यानिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल GDP है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी यह दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहां पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है, कई ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से, कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के इन औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की GDP में भी
हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। या न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए, 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सबको भी हृदय से, जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से ये निवेदन कि राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,